सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। जयपुर अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध लबालब भर चुका है और बांध जब लबालब भरा उसने अपनी पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर को पार किया। तो उसके बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पहुंचे, जिला कलेक्टर सौम्या झा पहुंची और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद बांध के सबसे पहले दो गेट खोलकर बांध से पानी की निकासी शुरू की। लेकिन जल अधिग्रहण क्षेत्रों राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा में लगातार बारिश का दौर जारी रहने के बाद में एक और जहां त्रिवेणी का गेज 4.30 मीटर तक पहुंचा, वहीं दूसरी ओर खारी डाई नदियों से लगातार बांध में पानी की आवक को देखते हुए सबसे पहले शुक्रवार को चार गेट खोले गए थे दो के बाद में। उसके बाद में लगातार जब पानी की निकासी कम हो रही थी, कम नज़र आ रही थी, एक तरफ से पानी जब ज़्यादा मात्रा में बीसलपुर बांध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो बांध प्रशासन ने 6 गेट खोलकर बांध से 96,160 क्यूसेक पानी की निकासी शनिवार को शुरू कर दी और इसके साथ ही ये पानी टोंक की तरफ बनास नदी में तेज गति से बहता हुआ नजर आ रहा है। वाकई ये अद्भुत नज़ारा है। बांध के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बीसलपुर बांध इतिहास में पहली बार सितंबर माह में ओवरफ्लो हुआ है और गेटों की ओपनिंग हुई है। इससे पहले बांध जब भी भरा तो अगस्त महीने में भरता था, लेकिन सितंबर में ये पहला अवसर आया जब बांधों की गेटों की ओपनिंग करनी पड़ी। हम स्काडा सिस्टम, जो कि राजस्थान का पहला स्काडा सिस्टम बीसलपुर बांध पर लगा था, वहाँ से ऑपरेटिंग की थी 2022 में, उसी सिस्टम से बांध में आने वाले पानी पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार बांध में एक और जहाँ भरपूर पानी आया है, बांध छलका है सात विवाद, वहीं टोंक जिले के छोटे बड़े 34 बांध 100% पानी भरने के बाद ओवरफ्लो हुए हैं। तो ये सुखद संकेत है कि आने वाले इस साल के अंदर खेती के लिए जो है किसानों के लिए वरदान बनेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर पूरे ज़िले में अलग अलग बांधों से सिंचित होगी, वहीं बीसलपुर बांध से भी 82,000 हेक्टेयर के लगभग भूमि सिंचित होगी। किसानों की जो मांग होती है 8 TMC पानी की सिंचाई के लिए वो उन्हें भरपूर मिल पाएगा। हालांकि इसका निर्णय सरकार करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार राजस्थान पर मेघ मेहरबान है और टोंक पर जो है ख़ासतौर से मानसून मेहरबान रहा है। यही कारण है कि आज टोंक में सालों बाद ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है जब जिले का एक भी बांध जो है पानी से वंचित नहीं है। सभी एनीकट तालाब जो है पानी से लबालब भरे नजर